मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गुजरात की प्रचंड जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित है। गुजरात जैसी जीत बीजेपी मध्य प्रदेश में भी जीतेगी। उन्होंने कहा, मोदी मतलब विकास, स्वाभिमान और एक वैश्विक नेतृत्व है। इस दौरान मिश्रा ने बताया कि विवादास्पद लेखिका डॉक्टर फरहत खान को पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरात में बीजेपी की प्रचंड जीत को लेकर गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, यह प्रचंड जीत पीएम मोदी को समर्पित है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी मतलब 370 का हटना, 35A का हटना, अयोध्या में श्रीराम मंदिर का शिलान्यास होना, काशी कॉरिडोर का बनना, महाकाल कॉरिडोर का बनना, मोदी मतलब विकास, स्वाभिमान और एक वैश्विक नेतृत्व है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी मंदिर बनाते हैं तो एम्स IIT भी बनाते हैं, वे अनेकता में एकता रखे हुए हैं। मिश्रा ने कहा, मध्य प्रदेश में भी गुजरात जैसे ही जीत दर्ज की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत गुजरात में, 3/4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, हिमाचल में कांटे की टक्कर और वहां भी सरकार बनाएंगे। माननीय मोदी जी का नेतृत्व, माननीय मोदी जी का मतलब विकास, माननीय मोदी जी का मतलब देश का स्वाभिमान, माननीय मोदी जी का मतलब गुजरात का स्वाभिमान, माननीय मोदी जी का मतलब एक वैश्विक नेतृत्व, माननीय मोदी जी का मतलब 370 का हटना, माननीय मोदी जी का मतलब 35A का हटना, माननीय मोदी जी का मतलब अयोध्या में भगवान श्री राम का शिलान्यास होना, माननीय मोदी जी का मतलब काशी कॉरिडोर का बनना, माननीय मोदी जी का मतलब महाकाल लोक का बनना, माननीय मोदी जी का मतलब भगवान राम के मंदिर का निर्माण होना। मोदी जी का राम मंदिर बनवाते हैं तो IIM, IIT और एम्स का निर्माण भी करते हैं। पूरी ऊर्जित है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और गुजरात के परिणाम को ही मध्य प्रदेश दोहराएगा। गुजरात जैसी जीत मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की होगी। इंदौर लॉ कॉलेज की विवादित लेखिका फरहत खान को पुणे से गिरफ्तार कर लिया गया है। मिश्रा ने बताया कि फरहत खान अस्पताल में डायलिसिस के लिए गई थी, उन्हें कागज भी दे दिया गया है। दूसरी किताब की प्रति की जांच शुरू कर दी गई है, अगर सही पाई गई तो उसे भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। लेखिका जो फरहत खान है, उनको पूना में गिरफ्तार किया गया है, अस्पताल में डायलिसिस करा रही थी, वहाँ उनको कागज भी सौंप दिया है वो। और जो दूसरी किताब की एक उनकी आई थी, उसकी भी जांच शुरू कर दी है। अगर वो पाई जाती है, उसके विवादास्पद कंटेंट मिलते हैं, तो इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।